मैं सनशाइन पब्लिक हाई स्कूल की अध्यापिका निर्जला शर्मा आज आपके सामने कक्षा 9 की साखियां लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। साखियों के रचयिता या कवि कबीर दास जी हैं। संत कबीर दास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की महान विभूति थे। कहा जाता है कि सन 1398 में कांशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति काली निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि, कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, भारी आडंबरों का विरोध आदि भावों का उन्होंने उल्लेख किया है। यहाँ पहली साखी है, मानसरोवर सुवर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंतना जाही। तो बच्चों, पहले मैं आपको इनके कठिन शब्दों के बारे में बताऊंगी। मानसरोवर अमृत कुंड एक झील है, सुबर अच्छी प्रकार से भरा हुआ जल पानी, हंसा साधक को कहा है, केली खेल, मुक्ता फल मुक्ति रूपी मोती अर्थात मोक्ष, अनंत कहीं और अन्यत्र। तो कबीर दास जी इसमें कहते हैं, हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसके मन में भक्ति के भाव होते हैं उसका मन सांसारिक विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर झील जो सदा पानी से भरी रहती है, उसमें हंस क्रीड़ाएं करते रहते हैं, मोती को चुगते हैं और किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाते, उसी प्रकार मन रूपी मानसरोवर जब भक्ति रूपी जल से भरा होता है तो उस समय हंस रूपी जीव उसमें क्रीड़ाएं करता रहता है, अर्थात भक्ति के मार्ग पर चलते हुए आनंद प्राप्त करता है और मुक्ति रूपी मोती को चुगते हुए वहीं पर निवास करता है। यहाँ पर मन जो है हमारा, वो मानसरोवर जो है वो मन है और जल जो है उसमें वो भक्ति है हमारी, और जो जीव है, जो हंस है, वो हमारा जीव है, और इसी प्रकार से वो मोती जो चुन रहा है वो जो हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसमें कहने का भाव ये हुआ कि मानव के हृदय में भक्ति का भाव भरा होता है, वह संसारिक विषय भावना वासना और मोह माया के जाल में नहीं फंसता है। तो आत्मा परमात्मा के संबंध के रहस्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। ढूंढत खोजना, विष जहर, अमृत सुधा या फिर अमर होना। तो इसके द्वारा कवि ने यह स्पष्ट किया है कि जब प्रेमी अर्थात दूसरे प्रेमी जन से मिलता है तो दोनों के दोष अमृत बन जाते हैं। तो इसमें कवि कहते हैं कि मैं प्रेमी अर्थात भगवान के भक्त को ढूंढता फिरता हूँ, मुझे कोई भी भगवान का प्रेमी नहीं मिलता। जब कभी किसी भगवान के प्रेमी को अपने जैसा दूसरा भगवान का प्रेमी मिल जाता है तो उसके विष रूपी अवगुण अमृत रूपी गुणों में बदल जाते हैं, अर्थात वे सांसारिक विषय वासनाओं तथा मोमाया के बंधन में बहुत दूर चले जाते हैं। तो कहने का भाव ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति के मन में भगवान की भक्ति भावना जागृत हो जाती है तो फिर उसकी इस मोमाया संबंधी संसार के प्रति को दिलचस्पी नहीं रहती है। तो इसमें कवि प्रेमी किसे मानता है, भगवान के भक्त को प्रेमी मानता है। अगली साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जक मारी। तो हस्ती यहाँ पर हाथी है, सहज सरल, दुलीचा कालीन गलीचा, डारी डालकर, स्वान कुत्ता, भूकन भोकना, जक मारना व्यर्थ प्रयास करना। तो इसमें कवि ने ज्ञान के महत्व और अज्ञान की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। तो इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानव, तुम्हें ज्ञान रूपी हाथी पर अपनी सुविधा अनुसार गलीचा डालकर सैर करनी चाहिए। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही भोंकता रहता है। कहने का भाव ये हुआ कि व्यक्ति को अपने ज्ञान रूपी हाथी, ज्ञान हाथी की तरह होना चाहिए सबल, पर साधना रूपी गलीचा डालकर अपनी भक्ति को निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। संसार के लोगों को बोलने दो, क्योंकि संसार तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में भोंक भोंक कर चुप हो जाएगा। यहाँ इस दोहे में उन्होंने संसार की तुलना कुत्ते से की है और ज्ञान की तुलना मस्त हाथी से, जो कि बलवान है और सदकर्म करने की हमें सीख दी है उन्होंने। तो अगला साखी है, पक्खा पक्खी के कारणे सब जग रहा बुलान,
निरपख होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पक्खा पक्ष पक्षी विपक्ष जग संसार बुलान बूलना निरपख निष्पक्ष होई के होकर हरि भगवान बजे भजन करना जब पूजा करना सोई वही संत ज्ञानी और सुजान बुद्धिमान व्यक्ति को कहेंगे। तो कवि इसमें ये भाव स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि वर्तमान लोगों में भगवान की भक्ति से वह दूर होते जा रहे हैं। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर भगवान की भक्ति से दूर होता जा रहा है। तो संसार में रहने वाले लोगों के लिए तेरे मेरे के भेद ही मुख्य हैं। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर भगवान का नाम बजता है अर्थात भगवान की भक्ति करता है वही चतुर ज्ञानी संत माना जाता है। तो कवि के कहने का भाव ये है कि संसार में रहते हुए व्यक्ति जो अच्छे कार्य करता है वही उसके साथ जाते हैं और हमेशा हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए, सद्कर्मों की ओर ध्यान हमारा लगना चाहिए। तो संसार ईश्वर की भक्ति को जो है वो बुला रहा है। तो यहाँ पर संत सुजान जो निष्पक्ष भाव से भक्ति करते हैं उनको कहा है, और पक्खा पक्षी है जो संसारिक रिक्तता के तेरे मेरे झंझट में उलझकर भगवान को भूल जाते हैं। तो अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता जो दोहों के निकट ना जाए। मुआ मर गया, खुदाई परमात्मा का संचार कहे कहना जीवता जीवित जिंदा दुहू दोनों निकट पास जाई होता है जाता है। तो बच्चों इसमें कबीरदास जी ने सांप्रदायिक एकता पर बल दिया है और यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भगवान के यथार्थ स्वरूप को पहचाने बिना ही क्रमशः राम और अल्लाह कहते कहते मर गए। इस संसार में वही अपना जीवन बचा सकता है जो इन दोनों के फैलाए जाल में नहीं फंसता और भगवान के यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि राम और खुदा तो एक ही हैं, अतः उनके नाम पर भेदभाव करना उचित नहीं है। अगली साखी है, कावा फिरी कांसी भया राम ही भया रहीम मोट चून मैदा भया कबीरा बैठी जीम। कांशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, फिरी पुना फिर भया हुआ चून आटा बैठी बैठकर जीम खाना। तो इस दोहे में कवि ने हमें भगवान की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डालते हुए सांप्रदायिक एकता पर बल दिया है। तो इस दोहे में कवि सांप्रदायिक एकता की भावना पर बल देते हुए कहते हैं कि तपस्या की चरमावस्था में पहुंचने पर साधक के लिए कावा और कांशी में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों उनके लिए केवल मात्र भगवान का पवित्र स्थल रहता है। उनके लिए राम तथा रहीम के अलग अलग नामों में कोई अंतर नहीं रहता। तो ठीक वैसे ही जैसे मोटा आटा पीसने पर मैदे का रूप धारण कर लेता है, पर वास्तव में दोनों का मूल रूप तो एक ही है, दोनों ही खाने के काम आते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने इस बात पर हमें बल दिया है कि राम और रहीम अलग अलग नहीं है, ये दोनों तो भगवान के ही नाम हैं पर वास्तव में एक ही हैं। तो अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया ये करनी ऊंच ना होई सुबरन कल्स सुरा बरा साधु निंदा सोई। तो बच्चों ऊंचा कुल उच्च वंश, जन्मिया जन्म लेना ये जो करणी कर्म को कहेंगे, सुबरन सोने का कलश कलश, सुरा शराब, साधु सज्जन व्यक्ति को साधु कहते हैं और सोए है उसकी। तो यहाँ कबीरदास जी ने हमें ये बताया है कि सज्जन और दुर्जन की संगति में होने वाले परिणाम क्या हैं। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता है। यदि कोई ऊंचे कुल में जन्म ले ले और अच्छे कर्म नहीं करे तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार यदि सोने के कलश में हम कोई निंदक चीज अर्थात शराब भरकर रख देंगे तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। कहने का भाव ये है कि उच्च कुल में जन्म लेना तभी काम आता है जब अच्छे कर्म हों। तो उच्च कुल में जन्म लेना व्यर्थ अगर आपके अच्छे कर्म नहीं हैं, जैसे कि सोने का कलश जो है अगर उसमें शराब भरी है तो वो शराब ही रहेगी। तो बच्चों ये थी आपकी साखियाँ, धन्यवाद।